हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके नए वीडियो में स्वागत है। अगर बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इससे जितनी भी आने वाली वीडियो होंगे आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि लहतारा से लेकर चौकाघाट तक फ्लाईओवर जो बना है उसके नीचे फ्रेंड्स काफ़ी जगह बच जाती है, तो ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार ने कुछ नया सोचा है करने का। और आप सभी को पता होगा कि इसके नीचे की लगभग जितनी भी ज़मीन है, जो स्पेस है, वो फ्रेंड्स काफ़ी छूटा रह जाता है, यानी कि उपयोग में नहीं लिया जा सकता और एक तरह से कहें तो बेकार पड़ता है। तो फ्रेंड्स ऐसे में कुछ योजना सामने निकल कर आई हैं राज्य सरकार द्वारा, जो कि जल्द से जल्द आप सभी को एक नया लुक बनारस में और देखने को मिलेगा, जो कि लहतारा से चौकाघाट फ्लाईओवर के बीच दिखेगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि बनारस में आप सभी ने बनारस की लगभग स्मार्ट सिटी के तहत बदलती हुई काफ़ी तस्वीरें देखी होंगी, तो इसी बीच केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हज़ार चांद लगाने आ रही है हमारे बनारस में, और इसी में जुटे हैं सभी यहाँ के अधिकारी। शहर में सबसे महत्वपूर्ण चौकाघाट लहतारा फ्लाईओवर के नीचे के हिस्से में अर्बन प्लेस यानी कि जो खाली जगह है, आधुनिक बनारस की कहानी अब बताने वाला है। फ्रेंड्स फ्लाईओवर के नीचे लगभग 2 किलोमीटर लंबी जो जगह बची हुई है उसके नीचे तरह तरह के अब दुकानें खुलेंगी, और भी कई तरह के स्पेस जो हैं उनको खपाने के लिए एक तरह से नई नई सुविधाएं दी जाएंगी, और भी कई तरह के यहाँ पे फैसिलिटीज़ होगी जिसमें फूड कोर्ट, ओपन कोर्ट, ओपन कैफ़े के साथ ही ट्रैफिक रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन प्लेस मेकिंग को भी विकसित किया जाएगा। दोस्तों एक साल की समय सीमा में इन योजनाओं को पूरी तरह से धरातल पर उतार दिया जाएगा, यानी कि अभी कागज़ पे कार्रवाई हो रही है, जो आप सभी को जल्द से जल्द पुल के नीचे देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड्स फ्लाईओवर के नीचे की ज़मीन आप सभी देख सकते हैं कि किस तरह से बेकार पड़ी हैं, यहाँ के लोग किस तरह से उसे उपयोग कर रहे हैं, यहाँ के लोग गाड़ी वगैरह खड़े करके उपयोग में ला रहे हैं। तो फ्रेंड्स एक तरह से बता दें कि ऊपर एक तरह से फ्लाईओवर यूज हो ही रहा है, तो उसके साथ साथ राज्य सरकार ने सोचा कि फ्लाईओवर अब नीचे से भी उपयोग में लाया जाए, उसके साथ ही साथ लोगों के को एक तरह से अन्य तरह की सुविधाएं भी दी जाएं, जिससे हमारा बनारस काफ़ी भव्य और दिव्य दिखे। आधुनिक बनारस में लगभग अब हर तरह की सुविधा आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों, जो कि स्मार्ट सिटी के तहत लहतारा से चौकाघाट फ्लाईओवर के नीचे अर्बन प्लेस मेकिंग एवं यातायात सड़क संसाधनों का विकास बहुत ही तेज़ी से राज्य सरकार और यहां के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। फ्लाईओवर के नीचे 2 किलोमीटर लंबे जो स्पेस बचे हुए हैं विस्तार के बीच का, स्टेशन और अंतरराज्य जो चौधरी चरण सिंह बस स्टेशन है उसके ऊपर से जो गुजर रही इस फ्लाईओवर के नीचे का जो हिस्सा फ्रेंड्स शहर के पर्यटकों को दिखाई दे रहा है, एक तरह से अब यह काफ़ी सुविधाओं से लैस होगा। तो फ्रेंड्स इसके बीच आपको बता दें कि कई सारे सुविधाएं आपको देखने को मिल जाएंगी, जो कि कैंट रेलवे स्टेशन के ठीक सामने होगा, चौधरी चरण सिंह बस स्टेशन के ठीक सामने होगा, यानी कि जो बस स्टेशन है, जितने भी स्पेस आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उसे अब उपयोग में लाने की सोचा जा रहा है। अभी तो फ्रेंड्स यह कागज़ों पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन धीरे धीरे यह आपको एक साल के भीतर आपको ज़मीन पर भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि पुल के नीचे अब बहुत कुछ बनने वाला है। लगभग 2 किलोमीटर जो स्पेस बचा हुआ है नीचे, उसके बीच
अर्बन प्लेस व लैंडस्केपिंग से विकास कराया जाएगा। खूबसूरत कैंट स्टेशन और अंतर्राज्य बस स्टेशन के पास से फ्लाईओवर के नीचे का हिस्सा जो बचा है उसको काफ़ी विकसित किया जाएगा। यातायात की सुगमता और यात्रियों व दर्शनार्थियों की सुविधा एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसी क्रम में ही व्यावसायिक दृष्टि से निर्धारित स्थलों पर कियोस्क दुकानें होंगी, वेडिंग जोन होंगे, विज्ञापन के तरह तरह के यहाँ पे इश्तहार भी दिए जाएंगे और भी कई तरह के यहाँ पे प्रावधान किया जा रहा है। फ्रेंड्स, सड़क की सुरक्षा के लिए यहाँ पर तरह तरह के सुविधाएं होंगी, जैसे रेलिंग दोनों तरफ लगेंगे सड़क के, यानी कि बनारस में पूरे रोड के किनारे अब रेलिंग लगेगी फ्रेंड्स, जो कि रोड को टूटने फूटने से बचाएगी। उसके साथ ही साथ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग व अन्य संसाधन विकसित होंगे, जिसमें पब्लिक प्लाजा, वॉकिंग ट्रेल, पेमेंट्स, पेयजल, ट्रैफिक सर्कुलेशन, जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक साइनेज, यूडिया यूटर्न, एलईडी स्क्रीन और छोटी दुकानें शामिल होंगी। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आप सभी बनारस में काफ़ी कम एलईडी स्क्रीन देख रहे होंगे और पुल के नीचे काफ़ी कुछ देख रहे होंगे, तो फ्रेंड्स ऐसे में ही यहाँ पे अब हर तरह की आपको सुविधाएं अवेलेबल मिल जाएंगी। यानी आने वाले दिनों में हमारा बनारस योजनाओं से लैस होगा, यानी कि हर रोज़ हर तरफ अब वर्क ही वर्क होगा। फ्रेंड्स, कुछ वर्क जितने हो रहे हैं उसे 2022 के फरवरी तक कंप्लीट पूरी तरीके से कर लिया जाएगा। ये जो फ्लाईओवर के नीचे आप सभी ने न्यूज़ सुना, इसको भी 2022 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके साथ ही साथ अन्य जो भी ब्रिज हैं उसके नीचे भी कुछ इसी तरह के प्रावधान किए गए हैं, जो कि आप सभी को जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। सबसे ज़रूरी बात हम आप सभी को बताएं तो फ्रेंड्स, बनारस में जितना भी रोड बना दीजिए फ्रेंड्स, वहाँ पर जाम ज़रूर लगता है। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पर अब जेब्रा क्रॉसिंग, एलईडी स्क्रीन, ट्रैफिक राइनेस, यूडिया यूटर्न और भी कई तरह के सुविधाएं बनेंगी, जो कि रोड को क्रॉस करने में, रोड पर ट्रैफिक कम करने में और भी कई तरह की सुविधा देगी। नीचे फ्रेंड्स देख सकते हैं आप सभी कि यहाँ पर बनारस के लगभग हर एक कलाकृति को यहाँ पे उतारा गया है, यानी कि घाटों पे जो आप देखते थे तो उसे पुल के नीचे सजाकर अच्छे से व्यवस्थित किया गया है। हाथी वगैरह और भी बनारस के घाटों पर जो बांस लगे होते हैं वो आप सभी देख सकते हैं पुल के नीचे। स्मार्ट सिटी का लोगो भी लगाया गया है और भी पेड़ पौधे लगाए गए हैं, और उसके ऊपर यानी कि पुल के ऊपर आप सभी देख रहिए तो यहाँ पर आप सभी को पेंटिंग दिखाई देगी, जो कि अब बनारस में लगभग हर जगह फ्रेंड्स पेंटिंग आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि अब धीरे धीरे हमारा बनारस काफ़ी चेंज हो गया है और हो भी रहा है। फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी, तो आप भी सहयोग करिए और सरकार भी। तो आज के वीडियो में बस इतना है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ऐसे वीडियो देखने के लिए। थैंक वॉचिंग फ्रेंड्स। सरल महादेव। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.